टेलीविजन एक्टर एलिगोनी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एलिगोनी ने बीते कुछ सालों में इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम हासिल कर लिया है और आज एलिगोनी अपना 31st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लंदन में अपनी खास दोस्त जैस्मीन भसीन के साथ। और आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में एलिगोनी से जुड़ी काफी सारी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद अली के फैंस ना जानते हों। आपको बता दें कि अली का जन्म जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 25 फरवरी 1991 में हुआ था और उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा के अलावा उनकी एक बहन है इल्हम गोनी, जो कि अक्सर ही एलिगोनी के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। वहीं अली का निकनेम है अली बाबा और एलिगोनी जैस्मीन से पहले नताशा स्टेंकोविक और कृष्णा मुखर्जी जैसी एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं और कई बार मीडिया इंटरव्यूज में एलिगोनी ने इस बात का खुलासा किया है कि उनका शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो जैस्मीन के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में जरूर सोच रहे हैं। वेल, अगर एलिगोनी के करियर की शुरुआत की जाए तो उन्हें एमटीवी के शो स्प्लिट्स विला से अच्छी खासी पहचान हासिल हुई थी। इस शो की ट्रॉफी तो वो अपने नाम नहीं करवा पाए, लेकिन जिसके बाद वो काफी सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट में दिखाई दिए और उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिली जब टेलीविजन क्वीन एकता कपूर ने उन्हें अपने सीरियल ये है मोहब्बते में रमन भल्ला के छोटे भाई रोमी भल्ला के किरदार के लिए कास्ट किया और इस किरदार के चलते उन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा, जिसके बाद वो तेरे मेरे दरमिया नामक एक सीरियल में भी नजर आए। वहीं सीरियल नागिन में भी नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए थे एलिगोनी। इसके अलावा एलिगोनी नच बलिए जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं और एलिगोनी की किस्मत उस वक्त और भी ज्यादा चमकी जब उन्हें कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 14 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। घर में उन्हें बेहद पसंद किया गया और जैस्मीन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार भी दिया। वेल, बता दें कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद जैस्मीन और अली काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में एक साथ नजर आए और इन दोनों को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने लगी और एलिगोनी अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि एलिगोनी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और अब जैस्मीन और अली लंदन में हैं, एलिगोनी के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ यूनियस की तरफ से भी एलिगोनी को हैप्पी बर्थडे। आप एलिगोनी को उनके बर्थडे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।